खुदा करे आपको आबे कौसर नसीब हो अम्मा। शुक्रिया मेरे बच्चे। तो अब जबकि तुम सैराब हो गए हो तो उठो और अपने घर लौट जाओ, तुम्हारे घर वाले परेशान होंगे। मैं कूफे में गरीब उलवतन हूँ अम्मा, मेरा कोई घर और ठिकाना नहीं है। कूफा अजनबियों का कातिल है बेटा, इस हजार चेहरे वाले शहर क्यों आए? हम कूफियों के बुलावे के मेहमान थे। तुम्हारा नाम क्या है? मुस्लिम इब्ने अकील। मेरे सर पे खाक, तुम मुस्लिम सफीर फर्जंदे रसूल हो? क्या मुझे सिर्फ आज की रात अपने घर में पनाह दे सकती हैं? सिर्फ अपने बेटे बिलाल से खौफजदा हूँ, जो कि एक नाअहल लड़का है और नीच किस्म के लोगों के साथ मैखारी करता है। रात से लेकर फजर के अज़ान तक मैखारी और अय्याशी में मसरूफ रहता है। फजर के करीब घर आता है मस्त और मदहोश हालत में। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि वो ना समझ सके। क्या हुआ हबीब, क्या किया तुम लोगों ने? ऐसा लग रहा है कि घरों पर मुर्दे की खाक उड़ा दी गई हो। चीख चीख कर हमारे गले थक गए। दीवार से तो आवाज आई मगर कूफियों के घरों से नहीं आई। मैं महल के सामने भी गया, कोई नहीं था। जनाब ये मुस्लिम कहाँ है इब्न सजा? नहीं जानता हबीब, मैं नहीं जानता। जब मैं आया तो कोई भी नहीं था, ना महल के सामने ना मस्जिद के अंदर। यानी तुम उनके साथ नहीं थे इब्न सजा? नहीं, तुम गए तो हम भी गए गली बंद करने के लिए, मगर कूफे की जुबान दराज औरतों को ना रोक सके, मजबूरन हमें रास्ता खोलना पड़ा। मुझे शर्म आई के खाली हाथ जनाब मुस्लिम के पास जाऊं। मैं अपने सर पे खाक उड़ाने गया था मगर वो भी ना कर सका। जब आया तो कोई भी नहीं था। जनाब मुस्लिम कूफे में गरीब हैं हबीब, वो यहाँ अजनबी हैं, मालूम नहीं कहाँ गए होंगे। लानत हो कूफा और कूफियों पर। कूफा सेब है, कूफा मनहूस है, कूफा जादू नगरी है, कूफा बुजुर्गान दीन का कातिल है, कूफा जानवरों का शहर है। खुद को संभालें हबीब, हमें जनाब मुस्लिम को ढूंढना होगा। आखिर कैसे, किस मोहल्ले में, किस कबीले में? तमाम गलियों में सिपाही और फौजी फैले हुए हैं, जब तुम आए तो नहीं देखा। क्या हुआ हबीब, कहां जा रहे हैं? मुझे कूफा और कूफियों से घिन आ रही है, वहां जा रहा हूं जो इस तरह आफत सदा न हो। हुसैन कूफी की राह में, मैं हुसैन की तरफ जा रहा हूँ। खुदा की कसम मैं भी इस काफिरिस्तान से बेजार हूँ, रुको ताकि निकलने का चारा कर सकें। चारा कार नहीं है इब्ने सजा, मुझ में रुकने की अब सकत नहीं रही। आशिक़ हुसैन दरिया का रुख करने जा रहा है। अल्लाह,
चुप रहो बस, अब चुप रहो बस, अब तंग मत करो इब्न अज़ल, मैं तुम्हारी तरह क्या गुजरा नहीं। तुम्हारी नानी मेरे लिए दुल्हन लाने वाली है, बिल्कुल चांद सा चेहरा। खुदाया कैसा गधा है ये, कम से कम एक ढंग की औलाद दी होती। बिलाल, बिलाल, कल रात में हर रात से पहले घर गया, दोस्तों ने बहुत जिद की कि रुक जाओ थोड़ी सी और पी ले, कुछ ऐशो नौश कर ले। मैंने कबूल नहीं किया, बस उन लोगों की बातों से चिढ़ता हूँ, वरना मुझे इस शराब हराम की भी कोई परवाह नहीं है, जितना पिला लो पी लूंगा। मुझे डर है कि उस बूढ़ी औरत ने मेरी उठने की आवाज ना सुन ली हो और मुझे बद्दुआ ना दे दी हो। कहते हैं कि माँ की बद्दुआ जल्दी असर करती है। वैसे सरार साहब, खुदा ने चाहा तो इन दिनों में इंशाल्लाह शराब नोशी की इजाजत तो मिल जाएगी ना। शराब नोशी को खुदा ने हराम किया है माँ, इसकी कौन इजाजत दे सकता है। मैंने सुना है कि अमीरुल मोमिनीन यजीद बजात खुद शराब और शेर वाले हैं। शराब पियो, मिंबर जलाओ, लेकिन लोगों को तंग मत करो। तुम्हारा मुंह हमेशा इतना ही गलत सलत चलता रहता है गधे, गलत इल्जाम क्यों लगा रहे हो। अगर मुस्लिम को तुम्हारे घर में ना पाया तो फिर देखना क्या हशर करता हूँ। कैसी बातें कर रहे सलार, मैं उससे ये थोड़ी पूछ रहा हूँ कि वो मुस्लिम है या नहीं। जैसी निशानी आपने बताई उनके मुताबिक तो वही होना चाहिए। बिलाल, बिलाल कहाँ चले गए मनहूस लड़के, तुम तो हमेशा जोहर की नमाज तक सो रहे होते थे, आज सवेरे सवेरे किस जहन्नम में चले गए हो। घर का मुहासरा किया हुआ है इब्ने अकील। तुम्हारे पास राह फरार नहीं है, तलवार उठाए तो घर को तुम्हारे लिए जहन्नम बना देंगे। मनहूस बगैर बाप के शराबी लड़के, ये एक हाशमी है बिन हुरैस, अरब के शेरों के कबीले से है, अली और हमजा के खानदान से है। जब तक उसके हाथ में तलवार है बहुत मुश्किल है इस पर काबू पा सके। मैं मुस्लिम को मारना नहीं चाहता इब्ने अशज, उसे अमान दे दो, शायद कि अपने आप को हमारे हवाले कर। Thank you.
ऐसा बच्चा है जो मुझे एक घूंट पानी दे दे। मैं इब्ने अशद हूं जो तुमसे बात कर रहा हूं। अगर मजीद लड़ते रहोगे और हमारे आदमियों को कत्ल करते रहोगे तो अमीर खून के किसास के तौर पर तुम्हें भी कत्ल कर देगा। अपने आप को हमारे हवाले कर दो। मैं अपनी इज्जत की जबान देता हूं कि तुम्हारे लिए अमाननामा ले लूंगा। कोई बात करो मुस्लिम। मुझे मार दोगे या अमान दोगे? क्यों पूछ रहे हो? मैंने अमान के वादे पर तलवार रोकी है, वरना मैं तस्लीम ना होता। मैदान जंग में मारा जाना मेरे लिए ज्यादा बाइज्जत मंजिल थी। हाशमियों के सर उठाने से खुदा की अमान, असीरी की हालत में भी रजस खानी करते हैं ये लोग। इल्तमास के लफ्ज को तो पहचानते ही नहीं। हम सिर्फ खुदा की बारगाह में इल्तिमास करते हैं। तो फिर खुदा से इल्तिमास करो, शायद वो तुम्हारी दुआ सुन ले और मुझे तुम्हारे कत्ल से रोक दे। खुदा से तलब मग़फ़िरत करता हूं। मैंने कहा था ना, हाशमियों का गुरूर उन्हें खुदा के आगे भी इल्तिमास करने नहीं देता। तुम्हें कत्ल कर दूंगा मुस्लिम। मैं जानता हूं कि तुम इतने सखी नहीं हो कि अपने दुश्मन को बख्श दो। मैं अपने किसी ऐसे जानने वाले को वसीयत करना चाहता हूं जो इस वक्त यहां मौजूद हो। बिस्मिल्लाह। ऐ इब्ने साद, मेरे और तुम्हारे बीच रिश्तेदारी है। मैं तुम्हारे जरिए एक वसीयत करना चाहता हूं, एक राज की तरह। मैं कोई अच्छा राजदार नहीं हूं, मुझे माफ कर दो। ऐ पिसरे साद, मुजायका मत करो, यह बात मर्दानगी के खिलाफ है। तुम्हारा अजीज मौत के दहाने पर खड़ा है, उसकी वसीयत तो सुन लो। अगर उसकी वसीयत सुन लूंगा तो फिर मुझे उस पर अमल करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हरचंद के उस जैसे की वसीयत पर अमल करना जो कि मुर्तद है, सवाब भी नहीं और गुना भी नहीं। तुम्हारी गैरतमंदी और मर्दानगी बढ़ जाएगी इस तरह। वसीयत पर अमल करना आपकी मर्जी के खिलाफ हुआ तो क्या? फिर भी उस पर अमल करने को मर्दानगी समझते हैं। अब तक तुमने उसकी वसीयत नहीं सुनी बंदे खुदा। अगर उसकी दरख्वास्त मेरे जाती मफादात के खिलाफ हो, पूरा कर देना, कोई बात नहीं। लेकिन अगर उसकी दरख्वास्त शरीयत मुकद्दस के खिलाफ हो तो अमल ना करना, उसका कुफ्फारा अदा कर देना। सुनाओ मुस्लिम। मेरे चचेदाद भाई हुसैन इब्न अली को लिख दो कि कूफा ना आए, लौट जाए। मेरे मरने के बाद मेरे जिस्म को दफना देना कि जमीर पड़ा ना रह जाए। मैं कूफा में 700 दिरहम का मखलूस हूं, वो अदा कर देना। मेरी सिरा और खुद को बेच के अदा कर देना।
जानते हो वो मुझसे क्या चाहता है? वो तुम्हें अमानतदार जानता है उमर। राजदार रहो, अमानतदार कभी खयानत नहीं करता। हर चंद के बाज औकात खयानतकार शख्स को अमीन बना दिया जाता है। खूब मुस्लिम, तुमने वसीयत कर दी, कोई और ख्वाहिश है? मैं प्यासा हूं, थोड़ा सा पानी दे दो। बिन हुरैस, इसे पानी दे दो, मगर उस प्याले में जिसमें हराम गोश्त जानवरों को पानी देते हो। वो मुर्तिद हो गया है और जिस चीज को मुंह लगाएगा वो शरण नजस हो जाएगी। जी अमीर। मुर्तिद तो तुम हो कि बगैर किसास उस बंदाए खुदा को कत्ल करते हो कि जिसका कत्ल करना हराम है। जो शख्स सिर्फ अपने गुस्से और सुएजन की बिना पर लोगों का कत्लेआम करता है वो मुर्तिद कहलाने का ज्यादा हकदार है। तुम जैसे शख्स की सांस और पसीना नजिस है जिसने अपने दिल को इब्लीस का घर बना लिया है। इब्लीस तो तुम हो कि नफ्स की ख्वाहिश की बिना पर खलीफा मुस्लिमीन पर खुरूज करते हो और वलीउल मुस्लिमीन पर तलवार उठाते हो और मुसलमानों के दरमियान तफरका पैदा करते हो। तुम्हारा मुर्तिद होना बिल्कुल मुसल्लम है। मैं तुम्हें खुदा की रजा के लिए कत्ल करूंगा, ना कि गुस्से और सुए जन की वजह से। खुदा की कसम तुम झूठ की जड़ हो। अगर इस गिरोह के पास राई के दाने के बराबर भी खौफ खुदा होता तो तुम्हारे झूठ की गवाही देते। अफसोस, अफसोस के दुनियावी ताल्लुकात ने मुसलमानों को इतना गिरा दिया है कि उनमें इंसाफ, शुजात और ईमान भी खत्म हो गया है। हम एक गासिब खलीफा के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। हमने कैसर और कसरा जैसे शख्स के खिलाफ तलवार उठाई है। हमने निफाक नहीं किया, इत्तेहाद किया है। इराक के लोगों के 12,000 खतूत हमारे गवाह हैं। क्यों पानी नहीं पिया? मेरे मुंह का खून माने हो गया। देख लिया ना, खुदा भी तुम्हें पसंद नहीं करता, वो चाहता है प्यासे मरो। ये पानी मेरे लिए था ही नहीं, वरना खुदा की रहमत का दरिया बेकरां है। शायद प्यासा मरना मेरे जिहाद के अजर को पूरा कर देगा। तुम लोगों का खुदा के बारे में जो गुमान है वो तुम्हारी तरह हकीर है। खुदा को इंसान नुमा कोई चीज समझ रखा है क्या? अपने गुनाह की फिक्र करो मुस्लिम, खुदा की मार्फत अपने पास रखो। क्या तुम लोग ये गुमान करते हो कि खिलाफत में तुम लोगों का कोई हक है? गुमान नहीं है, यकीन है। सुन लिया आप लोगों ने भाइयों, सुन लिया? उमवी और अलवी के झगड़े की जड़ यही दावा है। जब देखो बहाने ढूंढते रहते हैं। अब दीन का क्या होगा, सुन्नत पैगंबर का क्या होगा, कुरान का क्या होगा, अहकाम दीन का क्या होगा, वगैरह वगैरह। ये रसूल खुदा का सरी और मोहक्कम कौल है, फरमाया मुझसे कोई भी मिरास नहीं पाएगा। रसूल खुदा के तमाम दूर और नजदीक के असहाब इस हदीस नबवी पर मुत्तफिकुल कौल हैं। ये हजरात चूंकि खुल्लम खुल्ला इस हदीस शरीफ के खिलाफ जंग नहीं कर सकते तो खलीफा की टांग खींचते हैं कि क्या बिद्दत ले आया है? बिद्दत? मैंने भी इस हदीस नबवी को सुना है जो तुमने नकल की है। अलवियों का कोई विरासत का दावा नहीं है, इनका खिलाफत में हक है तमाम मुसलमानों की तरह। खिलाफत उम्मत के नेक साले मुकर्रब और मोमिन लोगों का हक है। खुदा की कसम, अली और उनकी औलाद उम्मत के मुकर्रब तरीन और बातकवा तरीन लोग हैं। ये मेरे अल्फाज नहीं है, अली से पहले के खुलफा ने भी अली की दयानत, तकवा और इल्म की गवाही दी है। खामोश झूठे, अपनी झूठी बातों को खुलफा से मंसूब करते हो। खुदा की कसम, तुझे ऐसे मारूंगा कि दीन के आगाज से लेकर आज तक किसी को भी इस तरह नहीं मारा गया होगा।
हाँ तुम वही हो कि वो बिदते दीन में लेकर आओगे जो पहले कभी न थी। ना मर्दाना कत्ल और आजा का कता करना और लाश को बरहना करना और घोड़ों से पामाल करवाना। तुमसे कुछ भी बईद नहीं। कोई है जिसने इस मुर्तद से कोई जख्म खाया हो? मैं हूँ अमीर बुकैर इब्ने हुबरान अहमरी। ये वो जख्म है जो मुस्लिम इब्ने अकील ने मुझे दिया है। बुकैर, इसे महल की सबसे बुलंद जगह से गिरा दो और इसके बदन से इसके सर को जुदा कर दो। जी अमीर। चलो। सलामत रहो अबू इसाक। तुम भी सलामत रहो खबर रसा कबूतर। आजकल क्या ईरानियों के अफसानों के मुल्क से मुशाबहत रखता है। इसका नाम ही लेना काफी है ताकि फौरन मद्दे मुकाबल सामने आ जाए। वादा पूरा हुआ क्यान, देर तो नहीं हुई हमें। ताजील और ताखीर तुम्हारी नहीं थी, तुम जो भी कर सकते थे तुमने किया। किनायों में बात कर रहे हो क्यान, कुछ हुआ है क्या? तन्हाई चाहिए अबू इसहाक, कुछ ऐसी खबरें हैं जो सिर्फ तुम्हें पता चलनी चाहिए। कयामे जनाब मुस्लिम टूट गया अबू इसहाक, कूफी बेगैरतों की तरह भाग गए। जनाब मुस्लिम तन्हा रह गए, मारे गए। मारे गए?
कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर गुफियों के तबले फट गए हों बिन कामिल? गलत क्यों सोचते हो अबन अजीद, इंशाल्लाह सब ठीक ही होगा। कल जब हम अलग हुए हैं मैं एक सांस में दौड़ा, इशा के वक्त गुफा पहुंचा। सिपाहियों ने शहर का रास्ता बंद कर रखा था, नहर के रास्ते गया। मैंने मुस्लिम इब्ने उसजा और हबीबे इब्ने मजाहिर को देखा, कूफे से निकल चुके थे। बजाहिर सिपाही उन दोनों का नहर के साहिल तक पीछा करेंगे और वो मजबूरन पानी में कूद जाए। जिनाब मुस्लिम की बेकसी और खो जाने की रुदात मैंने उन लोगों से सुनी। हबीब मुसलसल नदामत के आंसू बहा रहा था और उसका विर्द जुबान मुख्तार था। मैं क्यों? उसे गम था कि उन्होंने तुम्हारे मशवरे पर अमल क्यों नहीं किया। मुस्लिम और हबीब कहां गए हैं? मक्के की तरफ। वो दोनों मौला हुसैन की खिदमत में जल्द से जल्द पहुंचना चाहते थे। कितने कमजोर दिल थे ये लोग। मर्दानगी को भी बेच दिया। वाए हो मिजज कबीले पर कि उनका नाम डूब गया। कहाँ है? पकड़ो इसे। कहाँ है वो गैरतमंद मुसलमान जो अपने खून की गैरत का दिफा करे? शर्म मानी चाहिए तुम्हें कूफियों, डूब मरो तुम लोग। खुदा तुम लोगों को खत्म कर देंगे, फर्जंदे रसूल को एक बदकारा के बच्चे के हाथों बेच। तुम लोग तो इस बात के हकदार हो कि खुदा कौम नूह और कौम समूद का अज़ाब तुम पर नाज़िल करे। सियाह चेहरे वाले दोज़खियों, हुसैन को तुम लोगों ने कूफे बुलाया ताकि उनके खून का सौदा कर सको। आप लोग जानते हैं इब्ने मरजाना कौन है? इब्ने मरजाना वही पलीद शख्स है जिसने बसरा में एक मोहल्ला बनवाया और इसमें फतेह खुरासान की असीर शुदा औरतों से जबरदस्ती फाशी करवाई। इब्ने मरजाना वो सफाक है जिसने औरतों के पेट के बच्चों पर भी रहम नहीं किया। खामोश काफिर हरबी, गर्दन नीचे झुकाओ। इतना सखी नहीं हूं कि तुम्हारा अपने कत्ल में भी साथ दूं। क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूं? अमीर किस बारे में सोच रहे हैं? मुख्तार की मौत। जसारत ना हो तो अर्ज करूं कि जितना कम खून बहेगा हुकूमत की बका उतनी ही बढ़ जाएगी। खुदा गवाह है कि मैं भी मुख्तार के जिंदा रहने से बहुत नाखुश हूं, मगर उसे मारने को फिलहाल खिलाफ मसलहत समझता हूं। मुख्तार और हानी जैसों में जमीन आसमान का फर्क है। उसने और उसके साथियों ने सख्त दिनों से मुकाबले की मशकें कर रखी हैं। मैं तो यही मशवरा दूंगा कि उसे मारने में जल्दी मत कीजिए। अय इब्ने साद,
मुख्तार को या तो हमारे साथ होना है या नहीं होना है, कोई तीसरी राह तो मौजूद नहीं है ना। बातचीत से मामला हल किया जा सकता है, उसे तस्लीम होने पे मजबूर कर दें। अगर ना माने तो? तस्लीम ना हो तो उसे मार दें। मौत एक बार की है और जिंदगी भी। अगर मुख्तार के मरने से कोई वाकया रोनुमा होना है तो बेहतर है अभी रोनुमा हो जाए। कोई शक नहीं कि अमीर की समझदारी हर खासवाम की जबान पर है। पिछले हंगामे में अमीर की जगावत ने मुझे हैरान कर दिया था। मुझे यकीन है अमीर के आप मुख्तार से निमटने के तमाम हरबों से वाकिफ हैं। यकीनन आपने कूफा की हुकूमत के लिए कोई ना कोई फिक्र कर रखी होगी। कूफियों की खबर पर खुदा लानत करे इन कच्चे कान वाले लोगों पर। खुद खुदा भी मैदान में उतर आए। खुदाए मोहम्मद गवाह है, ये बेगैरत लोग जरूर खयानत करेंगे। भतीजे, इस जमात को जब तक टुकड़े टुकड़े ना कर दो, इनके शर को खत्म नहीं किया जा सकता। कीदड़ को कभी इंसान नहीं बनाया जा सकता। अबू इसहाक, खून मुस्लिम ने हमारी गैरत को मजीद ललकारा है। इंतकाम की प्यास में हम जल रहे हैं। हमारा साथ दोगे तुम्हारी रकाब में कूफे को अशिया का कब्रिस्तान बना दें। किस बात से मुंह फेरे हुए बैठे हुए हो अबू इसहाक? तुम्हें याद है ना, जब हम कूफियों की बेवफाई के बारे में जदल कर रहे थे तो तुमने मुझसे चाहा कि दिल से बैत करूं और कूफियों से किसी किस्म की उम्मीद वाबस्ता ना करूं। कूफियों ने हमारे साथ खयानत की, ये कोई नई बात तो नहीं है। अपने दिल की खबर लो कि अर्श की तरफ परवास के शौक में बालू पर मार रहा है। उठो ताकि हम खून के दरिया में नहाएं। बकौल तुम्हारे, हम वही जमलो सिफैन और नहरवान के शेर हैं। तुमने मेरे मुर्दा दिल की आग को दोबारा भड़का दिया है। तुम बैठ जाओगे तो ये आग दोबारा थम जाएगी। उठो मुख्तार, जनाब मुस्लिम के दाग ने हमें मजीद जर्री बना दिया है। उठो मुख्तार, अपने बाप अबू उबैद की तरह एक नारा लगाओ ताकि कूफे के तमाम गीदड़ नुमा लोगों के दिल बैठ जाए। मेरी जान की कसम है, हमारी हिकमत को रायगा मत जाने दो, ऐ वो जिसकी गैरत पर मैं सतते जाऊं। अमन के अलम उठाओ, हंगामा आराई करने वालों में से जो भी तौबा करे और तुम्हारे परचम तले आ जाए उसे अमान देना। और हाँ, अपने कुछ कारामद लोगों की फौज लेकर मुख्तार के मुकाबले पर जाओ और उन पर राह बंद कर दो। कोशिश करना कि मुख्तार और उसके साथियों को सरे तस्लीम खम करने पर मजबूर कर दो। अगर वो अमान चाहें तो उन्हें अमान दे देना। जसारत कर रहा हूँ उम्मीद, मुझे तो मुख्तार को अमान देने से माफ रखी, मैं लड़ना बेहतर समझता हूँ। क्यों? मैं मुख्तार को अमान का वादा देकर उस पर अमल ना करूं ये मुझसे ना होगा। अजीब है। ठीक है, वादा करो और अमल करो। मुस्लिम से भी वादा किया गया था मगर आपने उसकी लाज ना रखी। मैंने मुस्लिम से अमान देने का वादा नहीं किया था, इब्ने अशस ने अपनी तरफ से वादा कर लिया था, मैंने नहीं। और फिर क्या तुम अपने आप को इब्ने अशस से मिला रहे हो? हाँ,
तुम्हारी कदर कीमत मेरी नजर में इब्न अशरफ से 100 गुना ज्यादा है। तुम्हारी बात मेरी बात है, शक को दिल में जगह मत दो। जाओ, मुख्तार तुम्हारा मुंतजिर है। अगर तस्लीम ना हो तो उसे कत्ल कर दो। मुझे रुख्सत दो अबू इसहाक, मैं मैदान में जाना चाहता हूँ। बिन कामिल, दुश्मन ने सुलह का परचम लहराया हुआ है, क्या तुम नहीं देख रहे? इनका लड़ने का इरादा नहीं है। अगर उनका लड़ने का इरादा ना हो तो तुम नहीं लड़ोगे? किस लिए लड़े हैं? जब दुश्मन लड़ना नहीं चाहता तो। मुख्तार, अपनी और अपने साथियों की जान खतरे में मत डालो। ये लश्कर जो तुम देख रहे हो उनकी तादाद इतनी है कि मैं उसे गिनने की कुदरत नहीं रखता था। यूं समझो कि जितने भी तलवारबाज थे कूफे में वो इब्ने साद के लश्कर में शामिल हो गए। अगर खुदकुशी करना चाहते हो तुम लोग तो तलवार उठाओ, मेरी सलाह चाहो तो सर तस्लीम खम कर दो और अपना और अपने साथियों का खून खरीद लो। तुम्हारी तलवार गिलाफ में रहे ये बेहतर है, या गनीमत के तौर पर उमर साद की कमर पर बांधी जाए। यकीनन कूफा की खबरें तो सुनी होंगे तुमने। मुख्तसर अर्ज करता हूं, कूफियों ने मुस्लिम को पीठ दिखा दी, मुस्लिम और हानी दोनों मारे गए, मिजहजियों की एक आवाज भी ना निकली। तमाम कूफी इब्ने ज़ियाद के परचम तले इस्लाम का नारा लगा रहे हैं और हुसैन इब्ने अली को हक पर नहीं समझते। अब सिर्फ तुम रह गए हो और ये कलील सी तादाद, अब तुम्हारी मर्जी। तुमने एक बार जवानी में मेरी जान बचाई थी, मैं उसका बदला देना चाहता हूँ। अगर हथियार डाल दो तो शरीफाना वादा करता हूँ अमीर के हुजूर तुम्हारी बख्शिश करा दूंगा और तुम्हारे लिए अमान मांगूंगा। मुझे इजाजत दोगे इसके तन से इसका सर जुदा कर दूं अबू इसहाक? ये शख्स हमारी शराफत खरीदने यहाँ आया है। इन लोगों की बात मानना सरासर खता है। इन लोगों ने जनाबे मुस्लिम को भी अमान दी थी। इनका सफेद झंडा सिर्फ एक चाल है अबू इसहाक, अगर रुख्सत दे दो तो मुंह तोड़ जवाब दूंगा इस मलून को। इनके पीछे कोई हुजूम नहीं, ये झूठ है कि ये लोग मेरे साथ के लश्कर के हमरा हैं। ये कुत्ता कौन है अबू इसहाक? इसने अपने नाम और कबीले की कोई बात नहीं की। भाइयों, जब तक दुश्मन की कमजोरी और कुव्वत को न पहचान लो तलवार पर हाथ रखना खता है। मैंने इश्क और अक्ल के खिलाफ तलवार नहीं उठाई, हारने के लिए मैदान में नहीं आया हूं। मैं जीतने की फिक्र करता हूं, हार की नहीं। तो अपने गुस्से को लगाम दीजिए, अपने आप को संभालिए और मेरी बातों को गौर से सुनिए। आज मामला दुश्मन के हाथ में है, जहां जीत हमारी थी
हमारे साथियों ने दलीलें तराशना शुरू कर दी और जंग से परहेज करके उसे मकरूह कह दिया और इतना वक्त जाया किया कि दुश्मन को हाथ पांव चलाने का मौका मिल गया और उसने अपने साथी काफी तादाद में बना लिए और हम पर सबकत ले गए। दुश्मन हमारे तस्लीम हो जाने का ख्वाहा नहीं है, उसे यह खुशी है कि हम लड़ रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं कि सफेद झंडा उठाया हुआ है और सुलह की बातें कर रहे हैं, ये हमसे किसी खौफ की बिना पर नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि इनके पास कोई ऐसी दलील हो हमारे खिलाफ जिससे आवाम का मुंह बंद हो जाए। बखुदा कसम मैं ना मौत से डर रहा हूं और ना इस बात से कि हम तादाद में कम हैं और दुश्मन ज्यादा। मेरा डर हमारे गम गुस्से के मर जाने के बारे में है, वो गम गुस्सा जो हमारे दिलों में छुपा हुआ है। दुश्मन हमें मार दे तो उसने हमारे गम गुस्से को मारा है, और हमारा गम गुस्सा मारा जाए तो दुश्मन किससे डरेगा? तो फिर अपने कीन और गम गुस्से को अपने साथ अपने कबीलों में ले जाओ और उस दिन का इंतजार करो जिस दिन हम इस अमल का बदला दुश्मन से लेंगे और गलबे के लिए मैदान में आए, ना कि शिकस्त के। अबू इसहाक, तुम हथियार डालना चाहते हो? तो फिर अपने फिदाइयों का सर कलम कर दो। कियान बिन कामिल, इतने साल जो हमने खूने दिल पिया है वो मत भूलना। ये फैसला हरगिज नहीं किया था हमने के गैर बराबर जंग में अपनी आरजुओं को अपने जज्बात के आगे कुर्बान करते हैं। इतना हौसला नहीं है मेरे पास मुख्तार, तुम लोगों का फैसला नहीं हुआ अब तक? बहुत जल्दी है बिन हुरैस। मेरे हजार तरह के मशगले मुख्तार, तुम्हारी तरह फारिग नहीं हूँ कि जब देखो मक्खी के छत्ते में उंगली मारूं। क्या हुआ, अपनी जान का सौदा करते हो या तस्लीम करते हो? तुम और मेरी जान लोगे? हाँ, मैं क्यों अपने आप को बदनाम करूं? उमर साद जैसा एक मलकुल मौत मेरे पीछे बारी लगाए खड़ा है। मैं सिर्फ अपना कर्ज चुकाना चाहता था, सिर्फ यही। मेरे साथियों की भी जान की जमानत देते हो? तुम्हारे साथियों से क्या लेना देना, झगड़ा तुम्हारे साथ है। जब तुम ही इन लोगों को जोश दिलाने के लिए नहीं होगे तो ये अपने भेड़ बकरियों के पीछे चले जाएंगे। तो मुख्तार सकाफी आप हैं? तुम बिल्कुल बरहक थे इब्ने साद, मुख्तार की हैबत कुछ कम नहीं है। अकबर जानिब थे कि उसकी आंखों से खौफ खाओ। ये आंखें तलवारों और बर्छियों से भरी हुई हैं।
मैंने कसम खाई है कि जिस चीज से भी डरूं उसे खत्म कर दूंगा। खुदा की कसम बिन हुरैस के शिफात ना होते तो तुम्हारा खून बहा देता। इसकी जान तुम्हें बख्श दी बिन हुरैस, इसे शेर नर से ऐसा गीदड़ बनाऊंगा कि अपने साय से भी वहशत करे। इसे कैद कर दो। इब्न साद। जी अमीर। जब तक हुसैन कूफे की राह में है मैं कूफे की जानिब से मुतमईन नहीं हो सकता। इससे पहले कि कूफा के लश्कर को रे पर गलबे के लिए तैयार करें मक्के की तरफ जाओ और हुसैन और उसके साथियों का रास्ता रोक दो। हुकूमत रे उस बैत के बदले में है जो तुम हुसैन से लोगे। शख्स को जानते हो? जी सरदार, मुख्तार सखफी है। शाबाश, याद रहे कि मैंने इस मर्द दिलावर सखफी को शरीफाना कौल दिया है कि इसकी जान की जमानत दो, मेरी शहरग भी काट दी जाए मैं जबान से नहीं फिरूंगा। अपने गिजा खिलाओगे इसे, समझे? कोई भी पैगाम किसी की भी जानिब से मिले जो इसकी जान को खतरे में डाल दे तो मैं तुमसे किसास लूंगा, समझ आई? जी सरदार। और तुम मुख्तार, ये जान लो कि अब तक कोई भी इस काल कोठरी से जिंदा बाहर नहीं आया, लिहाजा अपना ख्याल रखना। गफलत बरतोगे तो खुद अपनी जान के जिम्मेदार होगे। जाओ।
जंजीर में जकड़े हुए शेरों के मोहल्ले में खुशामदीद।